यार मैं ना मैंने बहुत बड़ा गलती कर दी यार। जय हिंद एवरीवन। मैंने एक बहुत बड़ा गलती कर दी यार, बहुत बड़ा गलती कर दिया। मेरा ऐसे भी आर्मी के लिए एज नहीं है, ठीक है। मैं वैसे भी ओवर एज हूँ, और AOC का जो अप्लाई मैंने किया था, मैंने दिलो जान से, माँ कसम खा के बोल रहा हूँ, मैं दिलो जान से उसके लिए अप्लाई किया था। मतलब दिल से अप्लाई किया था मैंने ये, ठीक है, ताकि मेरा एडमिट आ जाए। और मैं उसके लिए काफ़ी मेहनत कर रहा था, मैं पढ़ाई भी शुरू कर दिया था, लेकिन एक गलती की वजह से ना मेरा एडमिट कार्ड नहीं आएगा। अब पता नहीं यार मैंने ऐसा कैसे गलती कर दिया, मुझे खुद विश्वास नहीं हो रहा है। दोस्तों, हम तो ऐसे भी जनरल कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं, लेकिन जनरल वालों के लिए एक मौका दिया गया है EWS, ठीक है। हमेशा से उसमें कट ऑफ थोड़ा कम रहता है, ठीक है। तो मैंने कास्ट टाइप किया था, EWS दिया था। मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा बैक कैमरा करके, और मेरा सापकास्ट मैंने नहीं दिया है। पता नहीं, मैंने खुद अपने हाथों से अप्लाई किया। मैं जब भी अप्लाई करता हूँ अपने हाथों से करता हूँ, लेकिन पता नहीं यार कैसे गलती हो गया मेरा ये। यार मैंने यहाँ पर सापकास्ट पे मैंने कुछ नहीं दिया है, तो ऊपर में मेरा अभी जनरल हो गया है, मतलब UR आ गया है। मैं अभी आप लोग को दिखाऊंगा, ठीक है। मेरे को बहुत दुख लग रहा है यार, क्योंकि अभी तो जनरल, क्योंकि आप सभी को पता होगा ये बात कि जनरल जो कैंडिडेट होता है ना, उनका काट ऑफ थोड़ा ज़्यादा जाता है। तो इसके हिसाब से तो यार मेरा तो नहीं होगा यार, मतलब एडमिट कार्ड नहीं आएगा। मैं सुबह से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, दिमाग ख़राब हो गया है मेरा। मतलब और मेरा कोई मौका है नहीं। मैंने उसमें EWS मैंने सर्टिफिकेट भी निकाला था कुछ दिन पहले, बहुत पैसा भी खर्चा हुआ, क्योंकि एक EWS सर्टिफिकेट बनाने के लिए 1000 रुपये से प्लस खर्चा हो जाता है, आना जाना, फिर FETPT। यार छोड़ो यार, पैसों की बात तो छोड़ो यार, ज़िंदगी झंड हो गया है मेरा, है ना। अब मैं क्या करूँ यार, पता नहीं ऐसा गलती कैसे कर दिया मैंने यार। थत यार, मैंने साफ कास्ट में अगर मैंने EWS अगर डाल देता तो शायद EWS कैटेगरी हो जाता। अभी क्या है कि जनरल का कट ऑफ ज़्यादा जाएगा, ठीक है, ज़्यादा मार्क वालों को मिलेगा, क्योंकि कम मार्क वालों को नहीं आएगा इसका एडमिट कार्ड, ठीक है। और उससे भी कास्ट डिवाइस होता ही है, तो यार UR में कैसे आएगा जनरल में मेरा नाम। EWS में होता तो मेरा जो परसेंटेज है, मेरे हिसाब से लगभग मेरा आ जाएगा EWS में, कन्फर्म था मैं, ठीक है। क्योंकि EWS का कैंडिडेट उतना नहीं होते हैं, और EWS सर्टिफिकेट बनाना उतना आसान भी नहीं है। इसके लिए काफ़ी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होता है, जो पुराना पुराना डॉक्यूमेंट चाहिए, तो हर किसी के पास नहीं रहता, इसलिए सब लोग EWS नहीं बना पाते हैं जनरल वाले। देखिए बहुत तकलीफ़ होता है EWS सर्टिफिकेट बनाने के लिए यार। मैंने मैंने बहुत बड़ा गलती कर दी यार। ये देख सकते हो आप लोग, ये मेरा फोटो है मेरा है, और यहाँ पर देख सकते हो साफ कास्ट टाइप मैंने EWS दिया है, और साफ कास्ट मैंने कुछ नहीं दिया है, इसकी वजह से मेरा जनरल हो गया। जनरल कैसे हुआ है मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो अप्लाइड कास्ट क्लास टाइप, यहाँ पे UR हो गया, कैटेगरी UR। एक्चुअली मैंने यहाँ पर UR नहीं दिया था, यहाँ पे मैंने दिया था EWS, और मैंने साफ कास्ट में कुछ नहीं डाला, ऑटोमेटिकली ये UR हो गया है। पता नहीं ये गलती मैंने कैसे कर दी यार। मैंने तो EWS डाला था, लेकिन सिर्फ सापकास्ट में, सापकास्ट मैंने कुछ नहीं डाला था, ऐसे छोड़ दिया था मैंने, पता नहीं गलती से हो गया था। उसके वजह से मेरा फॉर्म जो है वो मेरा UR हो गया है। मैं काफ़ी हैप्पी था यार, सोचा EWS है, जो परसेंटेज है मेरा आ जाएगा एडमिट कार्ड, उसके लिए मैं काफ़ी हैप्पी था। क्योंकि आर्मी में ऐसे को मेरा, ऐसे भी मेरा मौका नहीं मिल रहा है, सोचा इसमें चांस मिलेगा, ठीक है। पता नहीं यार क्या हो गया यार, पता नहीं मेरा किस्मत ही ख़राब है यार, मैं खुद बंदा ख़राब हूँ यार, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, इतना मेरे साथ गलत क्यों होता है हर बार, ठीक है। किसी ना किसी भर्ती के लिए साला तैयारी करता हूँ, किसी ना किसी चीज़ में गड़बड़ लग जाता है मेरा यार। यार चलते हैं दोस्तों, अगले वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे। फिलहाल कुछ नहीं बोल सकता मैं, सुबह से पूरा दिमाग खराब हो रखा है, ठीक है। चलते हैं, अगले वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।